हेलो फ्रेंड, माय नेम अजमुल सैन। कोर्स की में हम आपको वेलकम कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डीप टैग देखा था और स्पैन टैग देखा था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग से। और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लैक क्यूट देखेंगे और कोटेशन टैग देखेंगे। कोटेशन टैग देखने के लिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसमें हम कुछ रैंडमली टैक्स ले लेते हैं लोरम से, जो हम 50 में ले लेता हूँ। और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अपने डिफॉल्ट ब्राउज़र पर हम जाते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब हम देख रहे हैं, अगर हमने कोटेशन का मकसद क्या होता है, यानी कि किसी की कही हुई बात या किसी कहीं से लिया हुआ टेक्स्ट हमारे पास, यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट, यानी किसी की भी रेडी द क्रस, या जो हमारा एक मोरल होते हैं, ठीक है, किसी की कही हुई बात होती है, यानी कि उसको हम कोटेशन कहते हैं। जो बात हमने कोटेशन में लिखनी हो, अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमारे पास कोई उसमें कोटेशन आ रही है, तो हम कह रहे हैं कि ये वर्ड हमने ये फिक्रा, ये सेंटेंस हम कोटेशन में लिखना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ में अगर हमने कोई, अगर मैं इधर यहाँ पर ग्रीडी क्रॉस ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कोटेशन में पता चले उसका, उसके लिए हम क्या यूज करें, उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है कोटेशन। वो हम टैग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्यू। इससे हम क्यू से लेंगे, यहाँ पर उसको मैं क्लोज भी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रीडी ग्रीडी इज अ क्रस। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये डबल हमारे ना कोड में हमें इसको हमें ये आउटपुट हमें दिखाई देगी, जहाँ पर एक देख यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग दे, स्पेसिंग करके नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ में हमारे पास इम्पोर्टेंट, हमारे पास एक कोटेशन आ रही है किसी की, कहीं बात लगा लें, समझ लें आप, उसको मैं क्या कहना चाहता है, हम उसको कोटेशन में दे चाहते हैं। अगर इसको मैं कोटेशन के बगैर देता तो हो सकता था जो रीडर है वो इस पर इतनी तवज्जा ना करता या उसकी इतनी अटेंशन ना होती इस वर्ड पर। तो उसके लिए फिर हम उसको उसकी तवज्जा खींचने के लिए पैराग्राफ में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो हम जो टैग यूज करते हैं उसे हम कई बात को कोटेशन में देने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, कोटेशन टैग का यूज करते हैं। और इसमें इस वीडियो में हम ब्लैक ब्लॉक क्यूट टैग देखेंगे। वो क्या होता है, हमारे पास हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अपने मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, जहाँ पर मैं ब्राउज़र पर नहीं, चलो हम यहीं से लगाते हैं। अगर हमने हमने किसी साइट से कोई पैराग्राफ उठाया, उस पैराग्राफ को हम जब अपने वेबसाइट पर ऐड करेंगे, तो हम उसको हम जो रीडर है हम उसको ये भी बताएंगे कि हमने ये पैराग्राफ उस साइट पर लिया है, ये पैराग्राफ उस साइट पर लिखा गया था, उस साइट का ये आर्टिकल है, उस साइट के आर्टिकल में से हमने ये पैराग्राफ लिया है, उसका एड्रेस ये है। ये सब चीज़ें बताने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ब्लॉक क्यूट। ये बहुत हम जो अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हमें ज़रूरत आ सकती है कि हम कुछ ऐसा मटेरियल शो लें जो हम अपनी वेबसाइट में क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं यूज़र को। हमारे जो कंटेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और की साइट पर पड़ी हुई हैं, तो हम वहाँ से कुछ मटेरियल लेकर अपने साइट पर ऐड करेंगे और उसे बताएंगे ये हमने जो मटेरियल अपनी वेबसाइट पर लगाया है हमने उस साइट से लिया है, उस साइट का पाथ ये है। अगर आप इस चीज़ के बारे में मजीद रीड करने जाते हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और आपको वो लिंक ऑटोमेटिकली उस पाथ पर ले जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पैराग्राफ में ले लेता हूँ, इसमें लोरम और सेंटेंस ले लेता हूँ कुछ भी, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गए। और इसमें एक मैं हेडिंग ले लेता हूँ कि ये जो हमारे पास आपने लेट कर लेना है, ये हमारे पास जो H3 टैग हेडिंग टैग ले लेते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि मैं ये जो मैं हमारे पास जो मैंने टेक्स्ट लिखा हो, ये हमारे पास रैंडम टेक्स्ट हेडिंग मैंने दे दी, रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट। अब देखिए, ये हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, रैंडम टेक्स्ट हमारे पास लॉरेंस स्पैम, ये हमारे पास पैराग्राफ है। बस करें, ये मैंने किसी और की साइड से ले लिया है, उसकी हेडिंग ये थी और उस ये पैराग्राफ मैंने किसी और की साइड साइड से उठाया है, उसका ये थी। अब मैं यूजर को बताना चाहता हूँ कि मैं ये
जिस साइट पर लिया है उस साइट का लिंक क्या है। और ये एससीओ के लिए भी बहुत जरूरी है, जो जब एससीओ हो रही है तो उसे उसको भी पता चलेगा ये इसने टैक्स किसी और वेबसाइट से लिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे और यहाँ पर मैं टैग ले लेता हूँ ब्लॉग क्यूट के नाम से, ये मैंने ले लिया। इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, जब एससीओ की जो हमारी एससीओ करने वाला होगा उसको भी पता चल जाएगा जो मैंने टेक्स्ट लिया है, जो मैंने पैराग्राफ लिया है ये किसी और साइड से मैंने लिया है, और इसके अंदर जो हेडिंग है वो ये वाली हेडिंग है। हेडिंग को मैं बाय ले लेते हैं, हम हेडिंग को पैराग्राफ से थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखा हुआ भी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंट्रोल। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये किस साइड से लिया, उसके लिए हम ना हमें सोर्स देना पड़ेगा उस साइड का जिस साइड से हमने पैराग्राफ लिया। उसके लिए हम साइटेशन एलिमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट हम जिससे कह सकते हैं, उसको हम साइट इस तरह साइट लेंगे और इसमें हम उसका जो पाथ होगा जिससे हमने वो लिया होगा उसका हम एड्रेस देंगे। फ़र्ज़ करें ये मैंने जो पैराग्राफ ये अपने अपनी तरफ से लिया, लेकिन मैं फ़र्ज़ करें ये मैंने गूगल से लिया है। अब गूगल का जो हमारे कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने पाथ दे दूंगा गूगल का, www.google.com, ये मैंने पाथ दे दिया है। तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखें ये क्या गया, रैंडम टेक्स्ट था हमारा और इसको लोरो स्पैम, ठीक है ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं गूगल का पाथ ठीक से ले लेता हूँ, ये हमारे पास YouTube पर इसको हम ले लिया। अगर आप यहाँ पर हम SRC टैग लेते, लेकिन वो हमें क्या SRC टैग ने क्या करना था, हमें यहाँ पर शो करवाना था कि हमने जी किस पाथ लिया है। और इसके लिए ये सिर्फ चीज़ हम किसको दिखाना चाहते हैं, जो हमारा SEO है, SEO जो रीडर है हमारा, जो हमारे HTML कोड को रीडर कर रहा है, उस रीडर की बात कर रहा हूँ मैं, वो उस रीडर की बात नहीं कर रहा जो हमारे पेज पर आकर रीड कर रहा है, उसकी नहीं बात कर रहा मैं, SEO रीडर की बात कर रहा हूँ। कि हम अगर हम SRC लेते वो तो हमें बता देना था, उसे लिंक शो करवाना था, लेकिन हमने साइट लिया है। साइट क्या कहता है, साइटेशन से हम कहते हैं, इसका पूरा साइटेशन नेम है, इसे हम साइट कहते हैं। ये हम SEO को जो है उसको बताना चाहते हैं ये हमने उस साइट पर लिया है, ताकि उसको SEO करने में थोड़ी सी ईजी हो जाए, अगर उसने मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो वहाँ से उस साइट पर जाकर ले सकता है। ये साइट लिया, यहाँ पर हमने रेफरेंस दे दिया, देखिए वहाँ पर लिंक शो नहीं हो रहा था और शो होना भी नहीं था, क्योंकि अगर हम SRC लेते फिर शो होना था सोर्स पर, लेकिन हमने साइट लिया, हम सिर्फ SEO को बताना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें।